प्रदेश की राजधानी जिला परिषद में कुर्सी की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले कुर्सी पाने के लिए रमा देवी चोपड़ा ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उसके बाद अब जिला परिषद की पहली बोर्ड बैठक में उप जिला प्रमुख की सीट जिला प्रमुख के पास में नहीं लगाने से कांग्रेसी जिला पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, जिला परिषद सीईओ पूजा पाठ का सदस्यों ने माइक तक छीन लिया। बीजेपी और कांग्रेस के सदस्यों में आपस में तकरार देखने को मिली। विकास को भूलकर केवल कुर्सी की लड़ाई बैठक में देखने को मिली। जिला कलेक्टर और जिला परिषद सीईओ आग बबूला होकर बाहर बैठक छोड़कर बाहर निकल गए और हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 148 किलोमीटर की लंबाई की सड़कों का प्रस्ताव पारित हो गया। ये जयपुर जिला परिषद का सदन है। जिला प्रमुख की टेबल को गुस्से से थपथपाते हुए जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को इस सदन में रखते हैं, लेकिन आज नवगठित बोर्ड की पहली बैठक में विकास को छोड़कर कुर्सी की लड़ाई करते हुए जनप्रतिनिधि नजर आए और कुर्सी की लड़ाई को लेकर करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा। इसी बीच जिला प्रमुख रमा देवी ने बैठक में रखे गए केवल एक ही एजेंडा को पढ़ा और उसे पास करने के लिए वोटिंग करवाई। भाजपा के तमाम सदस्यों ने हाथ खड़े करते हुए प्रस्ताव को पास करने पर सहमति जताई और उसके बाद बैठक में को स्थगित कर दिया गया। इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थर्ड फेज के तहत जयपुर ग्रामीण इलाकों में 148 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण कराना है। हंगामे के दौरान कांग्रेस के सदस्य वेल में आ गए और मेयर के पास बैठी जिला परिषद सीईओ का माइक छीन लिया। हंगामा बढ़ता देख कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने सदस्यों से समझाइश करने का प्रयास भी किया, लेकिन कांग्रेस के सदस्य नहीं माने।